कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था। एक नाम होता है, नंबर बोलता है, होने के बाद वो कुछ राम राम जी। राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। तो कैसे आप सब? सब ठीक हो? कोरोना से बचे हुए हो? बचे हुए तो हम भी हैं, यहाँ पे घर पे ही हैं अभी। सो एक रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत कि हम बस इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाओ, वीज़ा इंटरव्यू बताओ, वीज़ा एम्बेसी का जो कि कैसा होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम लगता है वीज़ा वगैरह आने में और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से होता है। कईयों को इंटरेस्ट था कि मेरे बारे में पूछें कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था, जो कि बहुत घटिया गया था। उम्मीद भी नहीं थी वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही सीन हो गया था मेरे साथ। सबसे पहले तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फ़ोटो वाली होती है, उसी में गड़बड़ हो गई थी मुझसे, क्योंकि मैं वो फेस वाली लेके जानी पड़ती है ना, जो कि उसके जो साइज़ वगैरह होता है वो उस साइज़ के हिसाब से आपका फेस आना चाहिए। 90% कितना 80% आपका फेस होना चाहिए, बैकग्राउंड वो इतना मैटर नहीं करता, वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। तो सबसे बड़ी गलती वहीं हो गई मुझसे, क्योंकि मैं ले गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। और उसके बाद ये भी चलो ठीक है, ये भी हो जाता है वहाँ पर, हो जाती दोबारा। तो उसके बाद इंटरव्यू का बताते हैं आपको जी। मैं निकला घर से, मेरा इंटरव्यू था ना जिस दिन, तो उस दिन उससे एक दिन पहले चला गया था मैं, वहाँ पे एक रात रुका। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया सुबह, मेरा इंटरव्यू दोपहर को 2 बजे के आसपास कुछ था, मेरे अब पूरा प्रॉपर याद नहीं है। और मेरा जो एंट्री हुई थी वहाँ पे, एंट्री होने के बाद वहाँ पे एक वो आते हैं, वहाँ पे आपको एक नाम होता है, नंबर बोलता है कि इस काउंटर पे ये चला जाए, इस काउंटर पे ये चला जाए, एक स्लिप वगैरह होती है, ठीक है। उस काउंटर पे मैं चला गया, मैंने सोचा कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर मेरे को भेजेंगे, जैसे आयल्स में होता है अपने कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेते हैं बाहरी, उसके बाद अंदर स्पीकिंग के लिए भेजते हैं अंदर। मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना स्टार्ट किया, और वो असल में इंटरव्यू चल रहा था मेरा, मेरे को मैंने सोचा कि वो डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन वो असल में इंटरव्यू चला था। मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी घर में, इंग्लिश में ये बोलूँगा वो बोलूँगा वो बोलूँगा, लेकिन वहाँ जाके सब गड़बड़ हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला कि वो इंटरव्यू ही हो रहा है। तो वहाँ पे उसने सवाल पूछा, मैंने सोचा नाम वगैरह तो चलो पूछ ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। नाम वगैरह पूछा उसने, ये व्हाट इज़ योर नेम, मैं अपनी हिंदी में चलता रहा कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं कहाँ से बिलोंग करता, कुछ इतना से बिलोंग करता हूँ। वो ऐसे ऐसे पूछने लग गई मुझसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, सो क्वेश्चन वगैरह ये हिसाब किताब है। उसने मेरा बायोडाटा पूछा कि स्कूलिंग कब की है, टेंथ कब की थी, ट्वेल्थ कब की थी, कितने परसेंटेज थी टेंथ में, ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज थी, ये वगैरह ऐसे ऐसे होता था। उसके बाद आई पेपर वर्क, एक पेज मिलता है वहाँ पे, क्वेश्चन होते हैं उसमें, वाई आर यू गोइंग टू जर्मनी, Why you choose this country for study? After your study, you will be you come back to your hometown, to your home country. What do you like in Germany? मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जर्मनी के रिलेटेड थे, कि जर्मनी क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, स्टडीज के बाद वापस आओगे नहीं आओगे, और कितने ड्यूरेशन की आपकी स्टडी, इस हिसाब के क्वेश्चन थे उसके अंदर वो पेज था। तब मेरे को जाके पता चला कि ये तो मेरा भाई इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि इंटरव्यू में मुझसे एक पेपर लिखवाएंगे। तो मैं फिर वहाँ पे डर गया, क्योंकि वो एंड जब सारे क्वेश्चन हो चुके थे मेरे, वो पेपर मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने से पहले एंड में पूछा मेरे से, 15-20 मिनट के बाद पूछा दिया मेरे को वो, 10 मिनट रह गए होंगे, 10-5 मिनट। और इंटरव्यू अराउंड आधे घंटे के अराउंड होता है, 25-30 मिनट के अराउंड, जो 10-12 मिनट आपके पेज में ही लग जाते हैं वो लिखने में। तो वहाँ पे मैं लिखता गया, फिर मेरे को टेंशन होनी स्टार्ट हो गई, मैंने वो लिख लुख के दे दिया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए उनको। और जिस टाइम मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, फीस वगैरह कटवाई, उसके बाद जब उन्होंने कहा ओके ऑल द बेस्ट, आपको आपका मिल जाएगा आंसर जो भी हम डिसीजन लेंगे, मैं भाई वहाँ पे हो गया काम कि मैंने तो सारा हिंदी में दे दिया, और हिंदी में दे दी तो अब मेरे को नहीं लगता कि मेरा वीज़ा वगैरह आएगा या नहीं आएगा।
उसके बाद मेरा मूड खराब हो गया, वहाँ पे मन नहीं करा किसी चीज़ से घर आने के लिए। फिर वहाँ से निकला, पेट्रोल वगैरह से निकला, जब हरियाणा मतलब कि बस में बैठा तब फ़ोन किया मैम को जहाँ से फाइल लगवाई थी कि ऐसे से हो गया, वीज़ा तो आएगा नहीं अब, तो अगली अपॉइंटमेंट की डेट बता दे। ऐसा संबंध में चल रहा था। वो कहती मैम ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, तो वो कहती कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं बाकी जो भी होता है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं। लेकिन मेरे को बहुत डर था कि मेरा वीज़ा वगैरह पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और बस डर इस चीज़ का था कि यार इतनी मेहनत की है, लैंग्वेज की, आइल्स की है, सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए और रिजेक्शन ना आ जाए। क्योंकि एक तो मेरी फ़ोटो भी मैंने पासपोर्ट साइज़ दे दी थी, ऊपर से मैंने इंटरव्यू भी अपना हिंदी में दे दिया था, क्योंकि हिंदी मिक्स मैंने अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज वैसे यूज़ कर ली थी हरियाणा की थोड़ी, क्योंकि यार मैंने सोचा कि वैसे ही है वो, कि डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर भेजना है उसको, अंदर बोलेंगे जाके इंग्लिश, वहाँ पे मारेंगे अपनी इंग्लिश जाके जो प्रिपरेशन, और मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी ना इंग्लिश में, इतनी प्रिपरेशन कि ये बोलूँगा वो बोलूँगा ये बोलूँगा जर्मनी के बारे में वो बोलूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मन बहुत ख़राब हो गया उस टाइम कि क्या हो गया यार, इंग्लिश में ही जाना चाहिए था शुरू में ही वीज़ा आने के, क्योंकि मेरा सब कुछ ओके हो गया था, बस मेरा यहाँ पे जाके ख़राब हो गया था। बट दुआ रही भगवान की कि 30 दिनों बाद आ गया मेरा वीज़ा, होपफुली 30 दिनों बाद मेरा 32वें दिन मेरा वीज़ा आ गया था, और फिर जो खुशी हुई, फिर हुई जो खुशी, जर्मन का वीज़ा आ गया था। क्योंकि यार केस ही ऐसा हो गया था मेरे साथ कि एक तो इंटरव्यू भी मैंने सारा वैसे दे दिया था, और फोटो वगैरह सब कुछ वो ऐसे ऐसे हो गया था, तो ऐसे ऐसे करके सिस्टम बना मेरा मेरा वीज़ा इंटरव्यू में। तो ये था भाई मेरा, जो पूछ रहे थे कि आपका कैसा हुआ कैसा हुआ, ऐसा हुआ मेरा। और अब बात करता हूँ कि क्वेश्चन वगैरह के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका व्हाट इज योर नेम, मतलब फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड जो भी सर नेम होगा। जैसे कि मेरा तो ओनली फर्स्ट नेम था, तो मेरा कोई पीछे नहीं था, तो मेरा ओनली अभिषेक था, ठीक है। मेरा असली नाम अभिषेक है, और जो वैसे है मेरा नाम वो सौरभ है कहते हैं मेरे को, मेरे को अभिषेक इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ सौरभ में ही चलाया अपना, लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो अभिषेक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, स्टेट वगैरह कौन से, कहाँ से हो आप, कुरुक्षेत्र से था मैं, तो मैंने कुरुक्षेत्र पर दिया था, हरियाणा इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर मदर ऑक्यूपेशन, वो पूछती है, वो लिखना नहीं होता, ये पूछती है वो, टीचर या सर जो भी होगा ये पूछते हैं वो, व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर मदर ऑक्यूपेशन। सो मैंने इसका आंसर दे दिया था। इसका आंसर के बाद अगला क्वेश्चन, सो आपने 10th कब की थी, व्हेन यू कंप्लीट योर मैट्रिक, मैट्रिक भी हो सकता है मैट्रिक और 10th भी लिखा हो सकता है, पूछ सकते हैं वो मैट्रिक और 10th कुछ भी। तो मैंने बता दिया था कि मेरी 3 ईयर में हुई थी, और उसके बाद क्वेश्चन था कि आपने 12th कब कंप्लीट की, व्हेन यू कंप्लीट योर 12th। सो मैंने इसका भी आंसर दे दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी स्ट्रीम से थे, जैसे कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, तो मैंने बता दिया था कि मैं नॉन मेडिकल से हूँ, क्योंकि उस टाइम यार इतना वो नहीं था, उस टाइम तो मैं चिल में देता गया आंसर ऐसे ही। और उनके उसके बाद 12th और 10th के बारे में पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने कुछ किया है जैसे आइल्स, लैंग्वेज वगैरह, पीटी कुछ किया है, तो मैंने उनको कहा कि हाँ मैंने आइल्स किया, आई कंप्लीटेड माई आइल्स विद 6 points। सो मैंने उनको वो दे दिया था, और मैंने फिर उनको लैंग्वेज का भी दे दिया था, ऑलरेडी कंप्लीटेड माई A1 फ्रॉम गोएथे इंस्टीट्यूट, तो मैंने वो भी दे दिया उनको, मेरा गोएथे से सर्टिफिकेट था, लेकिन की मैंने लैंग्वेज कुरुक्षेत्र से थी, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट तो गोएथे से था, क्योंकि एग्ज़ाम मैं दिल्ली दे के आया था पहले, ठीक है, वो दोनों हो गए, ठीक है। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि एक एक में आपके कितने परसेंटेज हैं आइल्स वाले उसमें, कि आपके कितने कितने रीडिंग लिसनिंग में, तो मैंने बता दिया मेरे इसमें इतने हैं, मेरे इसमें इतने हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी 12th में
कितनी परसेंटेज है और ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज है, फिर वो भी मैंने बताया उनको कि इतनी मेरी उसमें है, इतनी मेरी उसमें है, ठीक है, ये काम भी खत्म हुआ और ये सब याद करके जाना भाई, ठीक है। और उसके बाद पूछताछ के बाद उन्होंने पूछा कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर में आपको ये बताना है कि मेरे को मेरा मतलब कि मेरे पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे को, जो बैकग्राउंड और मेरे खर्चे पाने के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट है मेरे पास, ठीक है, ब्लॉक्ड अकाउंट है मेरे पास, वो शो कर रहे हैं उनको कि मेरा ये ब्लॉक्ड अकाउंट देना उनको अपना और मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर वो पूछेंगे आपके पेरेंट्स मतलब कि आपके मम्मी आपका पापा क्या क्या करते हैं, वो भी बता देना उनको। ये होने के बाद वो पूछते हैं कि आप जर्मनी ही क्यों जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्यों नहीं जा रहे और अमेरिका क्यों नहीं जा रहे। तो उसका रीज़न देना मैंने दिया था, जैसे कि जो हमें रटवाया गया था कि मैं अपनी स्टडी फ्री में करना चाहता हूँ, दैट्स वाई, जो कि मैं इंडिया में रह के नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव है इंडिया में स्टडी, तो ऐसे से करके मैंने रीज़न दे दिया था और उनको बता दिया। तो फिर उन्होंने पूछा था कि आप अपनी स्टडीज़ करके वापस आओगे, तो उसका आंसर हाँ देना है आपको, यहाँ मैं अपनी स्टडीज करके यहीं पे जॉब करना चाहता हूँ अपने इंडिया में आके, ओनली मेरा पर्पस है कि मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर देना है उनको, ठीक है। ये क्वेश्चन होने के बाद वो आपको एक पेज देगी, पेज में आपको लिखना है, राइटिंग करनी है, थोड़ा इंग्लिश में होगा वो पेज, और ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर देना आप, मेरे साथ तो चलो हो गया लेकिन आ गया था, लेकिन आप इंग्लिश में दो, अगर हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंग्लिश में तो बेटर रहेगा, श्योरिटी तो रहेगी कम से कम, मेरे जैसे ये तो नहीं पागल रहूँगा, क्योंकि 25 दिन के बाद मेरे में होने लग गया था कि अब नहीं आएगा, अब आएगा ही, तो इसलिए आप इंग्लिश में दे के आए, ठीक है। लेकिन वो पेज मिलता है उस पर यही होता है कि अपना बस वही है, व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन, वो कहती है लिखने को, और फिर होता क्वेश्चन व्हाई आर यू स्टडीइंग जर्मनी, भाई चूज जर्मनी, कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हो, तो आपको थोड़ी चीज़ें लिखनी है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, ये है वो है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट जर्मनी, तो आपको जर्मनी की बर्लिन सिटी के बारे में, म्यूनिक सिटी, किसी सिटी के बारे में बता देना है कि ये मैं जानता हूँ जर्मनी सिटी के बारे में। ये सिटी होने के बाद आगे क्वेश्चन आते हैं कि आफ्टर योर स्टडीज क्या आप वापस आओगे नहीं आओगे, तो उसमें आपको लिखना है हाँ मैं अपनी स्टडीज करने के बाद मेरा मेन पर्पस है स्टडी कम्प्लीट करना और उसके बाद मैं वापस आना चाहता हूँ अपने होम टाउन, बिकॉज मेरी फैमिली सारी यहीं पे है और सारा कुछ यहीं पे है, मेरी फैमिली, मेरी जो भी जमीन वगैरह सब कह सकते हो, मतलब श्योरिटी होनी चाहिए ना, उनको श्योरिटी देनी। तो फिर उसमें लिखा होता है कि आपने अपने 10th 12th की परसेंटेज लिखनी है और कब की थी और कौन सा बोर्ड था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो मैंने हरियाणा बोर्ड लिखा था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ इसलिए मैंने हरियाणा बोर्ड लिखा, आपका जो भी बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो कोई सभी हो आपको पता होगा। तो वो लिखने के बाद आपको परसेंटेज वगैरह लिख देनी है और कौन सी ईयर में कंप्लीट की थी वगैरह लिख देना है, ठीक है। बाकी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में पूछेंगे वो कि आपके स्पॉन्सर मतलब कि उसमें भी लिखा होता है कि आपके पास जो फंड्स वगैरह है आपके पास वो है, आप लिखना होगा कि हाँ ब्लॉक्ड अकाउंट है मेरे पास, उनको वो भी देना होगा कि हाँ ये देखिए मेरे पास है जितने, आजकल 10,236 यूरो का है, तो वो देना है आपको पेपर उनको, तो ऐसे करके वो पेपर उनको देना है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट देना है। तो दो पेयर लगते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के, कलर्ड फोटो स्टेट लेके जाना अच्छा वो पड़ता है, और अपनी फोटोज दो तीन लेके जाना, एक मेरे हिसाब से दो फोटोज लगती हैं और अपने फेस के हिसाब से लेके जाना, मैं तो वो भी यार पासपोर्ट साइज फोटो लेके चला गया था। तो ये सब था मेरा एक्सपीरियंस और जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं वो ये, और फीस जो लगती है उनकी वो कैश का पता नहीं, मेरे को ड्राफ्ट लेते हैं मेरे हिसाब से, वो ड्राफ्ट दिया था मैंने और वो भी 6,000 के आसपास था, अभी पता नहीं कितना हो गया होगा लेकिन 6,000 के आसपास ही है वो, 5,900 कुछ लगते हैं, 100 रुपये वापस मिल जाएंगे आपको, इंडिया की बता रहा हूँ और कंट्री का नहीं पता मेरे को, इंडिया के पता नहीं मेरे को, 5,900 यूरो कुछ लगते हैं, 5,900 रुपये कुछ लगते हैं और जिसमें से 100 रुपये वापस आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सब था भाई, और टाइम कितना लगता है, टाइम अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 weeks लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 40-45 दिन दो यार, कम से कम 40-45 दिन दो हो जाएगा, एक महीने तक कम से कम रुकना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी फाइल हो चुकी है ना आजकल, एक मिनट तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो वीडियो भी हो गया ज़्यादा लंबी, इतनी कोई देखेगा नहीं, तो
बस यही था यार सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस और वीज़ा इंटरव्यू। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वो जितना उसके शेयर करो वीडियो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और स्टे सेफ स्टे एट होम। राम राम जी।